हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैरियर नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइफोन से रिलेटेड, और जो लास्ट टॉपिक है वो कवर करेंगे। कुछ यहाँ पर रूल्स हमें सीखने हैं और बाकी हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो आप लोगों को जो ये रूल्स हैं आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि विदाउट रूल आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहेगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या रूल है, ऐसे क्यों लिखा गया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस माइंड में आएंगे, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो वोवल्स है आप लोग ट्राई करिए कि कम से कम वोवल्स का यूज़ करिए। बिकॉज अगर आप जितने कम वोवल्स का यूज़ करेंगे आप लोगों की स्पीड उतनी ही ज़्यादा आपकी इंक्रीज होती जाएगी। रही बात आपके स्ट्रोक्स की, स्ट्रोक्स आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएंगे कि इस स्ट्रोक से क्या वर्ड बनेगा। आपको वहाँ पर वोवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन ये कब होगा, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब आप लोगों के माइंड में वो फिट हो जाएगा कि इस स्ट्रोक से रिलेटेड ये वाला स्ट्रोक बनेगा, ये वाला वर्ड बनेगा। और सेम जो स्ट्रोक होते हैं उससे रिलेटेड अगर आपके मल्टी वर्ड्स बनते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है वोवल्स की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डाइफोन्स की। जो डाइफोन्स हैं यहाँ पर टू डाइफोन सीखेंगे। सबसे पहले जिसके जो सिंबल्स है, एक तो ये वाला सिंबल रहेगा, ऊपर की साइड इसका मुंह रहेगा ओपन, और एक रहेगा जिसका नीचे की साइड मुंह ओपन रहेगा, इस तरीके से। सबसे पहले आप इसको ध्यान से अच्छे से देख लीजिए कि ये दो जो डाइफोन है हमें इसका किस तरीके से अब यूज करना है, हम वो सीखेंगे। सबसे पहले जो ये ऊपर की साइड जिसका माउथ खुला हुआ है, हम इसको कब यूज करेंगे, जब आपको डॉट वोवल, जब आपको डॉट वोवल सुनाई देगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, तब आप वहां पर इस वाले सिंबल का यूज करेंगे, इस वाले डाइफोन का यूज करेंगे। और डॉट वोवल यानी कि आपने डॉट का यूज क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि आपको मल्टी साउंड सुनाई देती हैं, आपका जो वोवल है वो क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि मल्टी वोवल्स यहाँ पर आपको सुनाई दे सकते हैं, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा आपको यहाँ पर वोवल सुनाई दे सकते हैं। इसलिए ऐसे सिचुएशन में यही क्लियर किया गया है कि अगर पहले आपको डॉट वोवल सुनाई देता है तो आपको ये वाला सिंबल यूज करना है, और अगर आपको डैश वोवल स्टार्टिंग में सुनाई देता है मल्टी साउंड्स के साथ तो आपको ये वाला वोवल यूज करना है, ये वाला आपको डाइफोन यूज करना है। आई होप क्लियर होगा। एक बार मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, देखिए बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर कभी भी कोई भी वर्ड सुनते हैं आपके माइंड में आता है कि जो पहला वोवल होता है वो क्या होता है, अगर पहला वोवल डैश है या फिर डॉट है, उसके बाद आपको जो बाकी की साउंड्स है वो क्लियर नहीं हो पा रही, यानी कि मल्टी साउंड्स अगर आपको सुनाई दे रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वोवल आता है मल्टी साउंड्स में, मल्टी वोवल्स में जो आपको पहला वोवल सुनाई देता है, पहला वोवल जो आप समझ पाते हैं वो या तो डैश हो या फिर आपका डॉट हो, इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी एक वोवल है तो उसके लिए आपको इन सिंबल्स का यूज करना है। अब हम बात करते हैं कि जब आपको मल्टी साउंड सुनाई दी, मल्टी वोवल्स आपको सुनाई दिए, उसके अंदर पहला वोवल आपको डॉट का सुनाई दिया, तो वहां पर आप इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेबल, यहां पर आपको पेबल, देखिए कितनी साउंड्स आपको यहां पर सुनाई दे रही हैं। अगर आप पहले वोवल की बात करेंगे तो यहाँ पर डॉट वोवल है, इसलिए हमने इस मल्टी साउंड्स को शो करने के लिए यहाँ पर मल्टी साउंड्स हैं, और पहला क्या है डॉट है, तो इसलिए यहाँ पर ऊपर की साइड जो माउथ खुला हुआ है इस वाले डाइफोन का यूज किया है। सेम लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि सेइंग, यहाँ पर भी एक ही वोवल सुनाई दे रही है पहला, लेकिन उसके बाद जो मल्टी साउंड्स आपको वोवल की सुनाई दे रही हैं उन सबको क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले वाली साउंड पहचाननी है और वहां पर उस वाले सिंबल का यूज करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेम लाइक जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सब भी ये इसी से रिलेटेड है। ये फर्स्ट नंबर पर जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सभी के सभी इससे रिलेटेड है। कुछ भी डाउट्स रहते हैं, कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपका सजेशन है, सुझाव है, आप कोई आइडिया देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप प्लीज़ डिस्कस करिए अपना सुझाव, अपना कोई भी कमेंट है, कोई आपका आइडिया है वो प्लीज़ शेयर कीजिए। अब जो नेक्स्ट रूल है हम नेक्स्ट रूल सीखते हैं। अब इसमें एक दो डाउट्स हो सकता है आप लोगों के निकल कर आए, जैसे कि मैं उनको क्लियर ही कर दूं कि आप जो ये वाला, जैसे कि इनमें कहीं कहीं यूज किया गया, जैसे कि यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में यूज किया गया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंड में यूज किया गया है, तो इसके पीछे क्या रीजन है,
देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आप समझ भी पाएंगे, आपने इतनी बुक कंप्लीट कर ली, इतना आप लोगों को इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा कि जैसे कि आपको जहाँ पर जितनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं उतना तो आपको क्लियर लिखना ही है। जैसे कि आप थर्ड एग्जाम्पल में ही देखेंगे, यहाँ पर देखिए कैरिंग, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल एंड में यूज़ किया है, क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैरी तक तो जो आपका एग्जाम्पल है, जो ये वाला स्ट्रोक है वो बिल्कुल क्लियर है, उसके बाद आपको मल्टी साउंड सुनाई दे रही हैं, यानी कि आर इस वाले स्ट्रोक के बाद आपको जो साउंड्स है वो मल्टी साउंड सुनाई दे रही है, मल्टी वोवल सुनाई दे रहे हैं, इसलिए आपको जहां पर जरूरत है सिर्फ वहीं पर यूज करना है। अगर आपको स्टार्टिंग में सुनाई दे रहा है तो स्टार्टिंग में यूज करना, एंड में अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आपको एंड में, मिड में, जैसा भी आपको जहां पर भी लगे कि आपको यहाँ पर मल्टी वोवल्स की साउंड सुनाई दे रही है तो वहां पर ही आपको इसका यूज करना है। जैसे कि देखिए कैरिंग, अब कै यहाँ पर इसने प्लेस डिसाइड किया इसलिए यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर बना, उसके बाद कैरी, इसके बाद आर जो बना है हमारा, इसके बाद जो आर वाला ये स्ट्रोक बना उसके बाद ई की साउंड सुनाई दे रही है, ई यानी कि हमारा थर्ड प्लेस ओवल है इसलिए इसको थर्ड प्लेस पर लगाया गया, और बाकी की जो इन की साउंड है उसके बाद और भी जो साउंड आ रही वो सभी इस वाले डाइफोन के अंदर कवर हो गई है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सभी के सभी ऐसे ही हैं, जितना आपका स्ट्रोक क्लियर होता है वहां तक आपको अपना स्ट्रोक क्लियर करना है, आफ्टर दैट आपको जो ये वाला सिंबल है उसका यूज करना है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ओ से रिलेटेड है, जैसे कि देखिए कॉर्पोरेट, अब यहाँ पर ओ जो पहला आपको जो वोवल सुनाई दिया वो ओ का वोवल है, तो यहाँ पर आपको डैश नहीं लिखना, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है ये वाला सिंबल, सेम लाइक कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर देखिए फॉलोइंग, अब यहाँ पर आपका फॉलो तक तो आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा है, बट जो एल वाला स्ट्रोक है इसके बाद आपकी मल्टी साउंड सुनाई दे रही है, मल्टी वोवल आपकी सुनाई दे रही है, इसलिए आपको यहाँ पर इसका मिड में यूज किया गया है। जहां पर आपका जो मल्टी साउंड से पहले जो मल्टी वोवल है उससे पहले जो आपका आपका जो भी वोवल रहेगा डैश या फिर डॉट का, वहां पर आपको इसका यूज करना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। सेम लाइक यहाँ पर देखिए कुछ थोड़ा सा यहाँ पर हटके दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सीखने को नहीं मिला है, जस्ट नॉर्मली आपको यहाँ पर भी सेम वही बात समझाई गई है जो हमने इन दोनों रूल के अंदर सीखी है। अब देखिए अगर कह रहा है कि यहाँ पर आपको कॉन्जिक्यूटिव वोवल सुनाई देते हैं, यानी कि लगातार आपको कोई वोवल सुनाई देता है, तब आपको वहां पर इस वाले सिंबल का यूज करना है, जिसमें कि ऊपर की साइड माउथ खुला हुआ आपको उस वाले सिंबल का यूज करना है। ये उससे से रिलेटेड आपके एग्जांपल्स हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका है रूल हम वो सीखेंगे। अगर आपको डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू डब्ल्यू आपको लिखना है नहीं लिखना है, कुछ हम डब्ल्यू से रिलेटेड रूल पहले भी सीख चुके हैं, यहां पर अब हम सीखेंगे जो डब्ल्यू है उसके लिए आपको एक सेमी सर्कल का यूज करना है, जिसकी दो डायरेक्शन है, एक तो आपकी ये वाली डायरेक्शन रहेगी, एक डायरेक्शन ये वाली रहेगी, यानी कि एक साइड आपका माउथ ये रहेगा और एक साइड इस सेमी सर्कल का माउथ इस साइड रहेगा। इस तरीके से आपको दो सेमी सर्कल का यूज करना है। ये दोनों के दोनों सेमी सर्कल कब यूज होंगे, वैसे तो जो आपका ये रूल है इसमें क्लियरली मेंशन है, आप इसको जब रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। कि जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, यहां पर जो W है, जहां पर भी आपको W की साउंड सुनाई देती है, जहां पर भी आपको W की साउंड सुनाई देती है वहीं पर आपको इस वाले सिंबल का यूज करना है, ठीक है। अब सेम यहां पर भी वही चीजें हैं, अगर आपको डॉट वाला अगर यहां पर वोवल सुनाई देता है, डॉट वोवल, ये देखिए डॉट वोवल अगर आपको सुनाई देता है, ये लाइन जब आप रीड करेंगे, अ लेफ्ट सेमी सर्कल, यानी कि इसको हम बोलेंगे लेफ्ट सेमी सर्कल, अ लेफ्ट सेमी सर्कल रिप्रेजेंट डब्ल्यू फॉलोइंग बाय डॉट वोवल, इसका वोवल का यूज जब होगा, जब डॉट वाला वोवल यूज रहेगा तब इस वाले सेमी सर्कल का यूज करेंगे, यानी कि जो ये वाली डायरेक्शन है आपकी, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन कब यूज होगी, जब आपका डॉट वोवल रहेगा। जैसे कि आप देखिए 12, अब यहाँ पर डॉट वोवल महसूस हो रहा है आपको, तो उस प्लेस पर आपको जो ये डब्ल्यू आ रहा है वहां पर आपको डॉट नहीं लगाना, वहां पर आपको ये डब्ल्यू के लिए ये वाला सिंबल यूज करना है, आपको सेमी सर्कल यूज करना है। ये सेमी सर्कल आपको ये बताएगा कि यहां पर आपका डब्ल्यू आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि आप देखिए फ्रीक्वेंटली, अब यहां पर फ्री, ठीक है फ्री, उसके बाद ई वोवल यहां पर आपने लगा दिया,
ई वोवल, उसके बाद खे, उसके बाद आपको डब्ल्यू की साउंड सुनाई दे रही है, तो आपने वहां पर इस वाले सिंबल का यूज किया। जहां पर आपको साउंड सुनाई देगी वहीं पर इस सिंबल का आपको यूज करना है। वहां पर जो वोवल रहेगा उस वोवल को नहीं लगाना, वहां पर आपको इस सिंबल को लगाना है। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं जो दूसरा एग्जाम्पल है। जब राइट सेमी सर्कल रिप्रेजेंट डब्ल्यू फॉलोइंग बाय डैश वोवल, यानी कि जब भी आपको डैश वोवल दिखाई देगा उस टाइम आपको सेमी सर्कल है वो राइट साइड आपको लिखना है। जैसे कि आप ये देखिए गुडविल, सॉरी गुडविल इससे रिलेटेड नहीं है। आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सभी के सभी एग्जाम्पल, जैसे कि ये देखिए, ये सभी के सभी एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हैं, राइट साइड दिए गए हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर गैश वर्क या फिर देखेंगे आप गुड वर्क, इसमें आप जो यहाँ पर स्ट्रोक बने गए हैं वहां पर आप जब डब्ल्यू का यूज होगा, जैसे कि आप देखेंगे स्टार्टिंग में डब्ल्यू है लेकिन यहाँ पर हम वुड के लिए इसका यूज करते हैं। हम पहले डब्ल्यू से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम काफी सारे रूल सीख चुके हैं, यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो डब्ल्यू है उसके लिए सेमी सर्कल लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं राइट साइड, जैसे कि वुड वर्क, यहाँ पर जो ये आपका डब्ल्यू है इसका यहाँ पर यूज किया गया है आपका राइट साइड। जहां पर आपको डब्ल्यू आपको सुनाई देता है या आपको स्पेलिंग में दिखता है तो ये आपके माइंड में आता है, जैसे ही आपको लगता है कि यहाँ पर डब्ल्यू है वहां पर आपको इस तरीके से उसका यूज करना है सेमी सर्कल के तरीके से ज्वाइंट वाले स्ट्रोक्स में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि आप स्टार्टिंग में डब्ल्यू है लेकिन ये तो स्ट्रोक है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ऑलरेडी सीख चुके ये सभी रूल। आज सिर्फ हम सीख रहे हैं कि अगर आपको बीच में कभी भी डब्ल्यू, बीच में डब्ल्यू का जब भी आपको यूज करना है जॉइंट में, तो वहां पर आपको सेमी सर्कल का इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल और इस वाले एग्जाम्पल में सीख रहे हैं। ये सभी के सभी मिडल में जब डब्ल्यू आपका आता है उसके लिए आपको सेमी सर्कल का यूज करना है लेफ्ट और राइट, दो सेमी सर्कल का। ये अलग अलग एग्जाम्पल है आपके, ये आपका राइट साइड वाले डब्ल्यू का एग्जाम्पल है, तो सेम लाइक जैसे कि आपका क्वालिटी। और एक इम्पोर्टेंट थिंग, जरूरी नहीं कि आपको हर एक वर्ड के अंदर आपको डब्ल्यू ही आपको यहाँ पर अल्फाबेट मिले, हो सकता है कि आपको वहां पर डब्ल्यू की साउंड भी मिले क्योंकि स्टेनो हमारे साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए क्वालिटी, अब यहाँ पर डब्ल्यू की साउंड सुनाई दे रही है, जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर स्पेलिंग में डब्ल्यू मिले लेकिन आपको जो साउंड सुनाई दे रही है वो इसी से रिलेटेड है, तो वहां पर भी आपको इसी तरीके से सेमी सर्कल का यूज करना है। अब हम नेक्स्ट जो रूल है वो सीखते हैं कि एस एच अपवर्ड, एस एच अपवर्ड कब आएगा। अब आप अगर इन स्ट्रोक्स को बनाकर नॉर्मली आप देखेंगे तो आपको अपवर्ड ऑटोमेटिक महसूस होगा कि आपको एस एच है वो अपवर्ड लिखना चाहिए। आज से पहले जो हमने सीखा था, आपसे पहले जो हमने रूल सीखा था वो एस एच है जो उसको इस तरीके से हम डाउनवर्ड लिखते थे इस तरीके से, लेकिन आज जो हम इसको सीखेंगे इस तरीके से आप उसको अपवर्ड लिखेंगे, इस तरीके से अपवर्ड लिखेंगे। अपवर्ड कब लिखेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें आपको बेटर तरीके से आपको आउटलाइन देने के लिए, अच्छे तरीके से आपको आउटलाइन देने के लिए आपको अपवर्ड ही लिखना पड़ेगा। सॉरी, जैसे कि आप देखिए फिनिश, अब यहां पर आपका फिनिश एन के हुक के बाद आप किस तरीके से एस एच को आप डाउनवर्ड लिखेंगे, आप अगर आप इसको लिखकर देखेंगे तो आई थिंक आप लोग नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ऐसे सिचुएशन में एक बेटर आउटलाइन देने के लिए आप कुछ ही ऐसे वर्ड्स है जिसके अंदर आपको एस एच अपवर्ड यूज करना है, और आपको ऑटोमेटिक आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिट भी हो जाएगी और आपको ये वर्ड माइंड में भी बैठ जाएंगे कि कहाँ पर आपको डाउनवर्ड यूज करना है, कहाँ पर अपवर्ड यूज करना है। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आप डाउनवर्ड तो यूज करने से रहे क्योंकि आपकी जो पेंसिल है वो स्मूथ तरीके से लिख ही नहीं पाएगी, और हमें जो स्ट्रोक्स है वो स्मूथ तरीके से लिखने चाहिए और लिखते हैं ताकि जो स्पीड है हमारी इंक्रीज हो, टाइम टू टाइम इंक्रीज हो, इसलिए ये सभी जो रूल हैं कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड ये सभी रूल सिर्फ इसीलिए बनाए गए हैं। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ये वाला एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर आपका जो एस एच है उसके बाद जो आपका वर्ड उसकी हाविंग की गई है, कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो हमारा नॉर्मल स्ट्रोक है उसके साथ ही इस टाइप के वर्ड्स का यूज करते हैं, आप किसी भी डबलिंग के साथ या फिर आप हाविंग के साथ भी इस टाइप के स्ट्रोक्स का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देखिए स्विफ्ट, अब यहाँ पर आप एस एच और एफ आप इस तरीके से लिखेंगे तो हो सकता है कि आप उसको ना समझ पाए,
जैसे कि इस तरीके से, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि आप ये वाली यहाँ पर लाइन है, अगर आप इसको लिखेंगे इस तरीके से स्विफ्ट, तो आई थिंक ये देखिए आपका जो एफ टी है वो बहुत ही ये आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि ये कंप्लीट है या हाफ है, और आपका जो पेंसिल इतनी स्मूथ तरीके से नहीं चल पाएगी, इसलिए ऐसे जो स्ट्रोक्स हैं उसमें आपको ये सब चीज़ें क्लियरली मेंशन हो जाएंगी। तो ये सभी एग्जाम्पल एस एच के अपवर्ड से रिलेटेड हैं, और उसके बाद जो हमारा ये वाला रूल है इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखना, नॉर्मली यहाँ पर भी सिर्फ वही सीखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी सिर्फ एक ही बात बताई गई है कि आपको एक अच्छी आउटलाइन देने के लिए इस टाइप के रूल्स का यूज़ किया गया है। नॉर्मली आप अगर देखेंगे ये जो एग्जाम्पल है ये आर से रिलेटेड है, जब एंड में आर का यूज़ किया गया है। अगर आप एंड में आर का यूज़ देखेंगे, जो हमने पहले एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जो पहले रूल्स पढ़े थे कि अगर एंड में आर आता है तो आपको उसे डाउनवर्ड बनाना है, बट यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सभी के अंदर यहाँ पर आपने देखा होगा या फिर आप देख पा रहे हैं कि सभी के सभी आपने अपवर्ड बना रखे है। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि एक बेटर आउटलाइन देने के लिए, और जो डिस्टेंस है इनके बीच में, डिस्टेंस है जो इनके बीच में गैप है और जो स्पेस है, ये सब चीज़ें कम करने के लिए इस टाइप का रूल्स भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर एंड में आर आता है तो नॉर्मली हम डाउनवर्ड बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी अपवर्ड बनाए गए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। जब आप ये वाला रूल पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि यहाँ पर यही बताया गया है कि आप एक बेटर तरीके से एक अच्छी आउटलाइन देने के लिए स्पेस है इनके बीच में। जैसे कि अब यहाँ पर है आप प्रिपेयर है, इस तरीके से लिखेंगे तो वो जो आपका स्ट्रोक डाउनवर्ड जा रहा था यानी कि काफ़ी स्पेस ले रहा है। सभी के सभी एग्जाम्पल को जब आप डाउनवर्ड आर तरीके से लिखेंगे तो उसमें काफ़ी आपको स्पेस लगेगा, इसलिए आप यहाँ पर इनका अपवर्ड यूज़ करेंगे। आप अपवर्ड या डाउनवर्ड अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक ही बेटर आपको आइडिया दिया गया, सजेशन दिया गया है, आप चाहे तो इस टाइप की इनका यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चले, आप अपनी आउटलाइन खुद बना सकते हैं, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपनी आउटलाइन बना सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे आप वैसे करिए, बट हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं और इनके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो ये वाला है यहाँ, जो ये वाला रूल है आपका ऐसे रिलेटेड, यहाँ पर कोई ज़्यादा आपको अलग से नहीं सीखना है, सिंपली यहाँ पर स्ट्रोक से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो ये कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद भी आप लोगों को कुछ डाउट्स रहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप लोग उसको बिल्कुल फ्री माइंड से पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है, किसी टाइप का आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, हम इसके बाद हम अपना कोर्स को कंटिन्यू सीखेंगे, ये जस्ट हमने बेसिक कंप्लीट किया है। हम साथ के साथ अपनी मैगजीन की जो आउटलाइन सीखेंगे, जो हमने स्पेशल वर्ड की सीरीज चलाई थी उसके अंदर सिर्फ हमने एक ही वीडियो कवर की है, हम बाकी की वीडियो कंटिन्यू करेंगे, कुछ वर्ड सीखेंगे जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है, तो प्लीज अगर आपको कोर्स समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर।